Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit 2, number operations, book page 83, and the concept of division, multiplication, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. हमने इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा, उनकी एक्सरसाइजेस सॉल्व की, उनके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड रीड अबाउट डिवीजन, लर्न अबाउट डिवीजन. डू यू रिमेम्बर? इट मींस आपने इससे पहले भी डिवीजन के बारे में पढ़ा है, इसलिए आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है. क्या आपको याद है? नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन है आपके पास, कंप्लीट दीज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स. आपके पास कुछ नंबर्स गिवन हैं, आपने उनको फिल अप करना है. आपको टेबल्स 1 to 15 याद करवाए गए हैं, आपने उनकी मदद से आपने इनको फिल अप करना है और इनको कंप्लीट करना है. पार्ट ए में आपके पास सॉल्यूशन गिवन है, तो आप इसको 7 × 5 = 35. देखें, 7 का टेबल आप सबको आता है. 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, एंड 7 × 5 = 35. ओके, 7 × 5 = 35. 7 मल्टीप्लाई हुआ है, 7 का टेबल हमने 5 टाइम्स 7 को मल्टीप्लाई किया है. अब उन्होंने 5 का टेबल यूज़ किया है, वो भी आपको आता है. तो 7 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया. इसी तरह आप 5 को जब 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 35 आ जाएगा. ओके, अब उन्होंने इसी को डिवीजन की फॉर्म लिखा है. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थी, डिवीजन में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो मल्टीपल, इट मीन्स जो आंसर होता है, ठीक है, ये हमारे पास दोनों फैक्टर्स हैं. ठीक है, जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं फैक्टर्स, और जो हमारे पास आंसर आता है वो होता है मल्टीपल, इट मीन्स उनका प्रोडक्ट. तो अब हम जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा, मल्टीपल होगा, उसको हम सेकेंड नंबर, उन दोनों को डिवाइड करते हैं, और जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमारा आंसर आता है. 35 डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब है कि 5 डिवाइड होगा और 35 को डिवाइड करेगा. ओके, 35 तो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 35 को आप 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा, जो कि 5 से ग्रेटर हो जाएगा, और आप 5 माइनस 35 नहीं कर सकेंगे. आपने 5 का टेबल लेके जाना है 35 पे, तो 35 एज अ डिवाइडेंड ट्रीट होगा और डिवीजन फॉर्म के अंदर आएगा, और 5 एज अ डिवाइजर ट्रीट होगा और डिवीजन फॉर्म के बाहर लिखा जाएगा. तो जब आप 5 को डिवीजन फॉर्म के बाहर लिखेंगे और 35 को डिवीजन फॉर्म के अंदर लिखेंगे, तो 5 × 7 = 35, जो आपके पास डिवीजन फॉर्म के ऊपर आंसर आएगा वो आपका क्वोशेंट होगा, उसको हम कहेंगे आंसर, और वो होता है, उसका एक नाम है, उसको हम क्या कहेंगे, क्वोशेंट. ये डिवाइडेंट, दिस वन इज डिवाइजर, ठीक है, और ये क्वोशेंट. जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है वो डिवाइडेंट होता है, जो नंबर डिवाइड कर रहा होता है वो डिवाइजर होता है, और जो नंबर आंसर के तौर पर आता है वो क्वेश्चन होता है. इसी तरह उन्होंने 35 डिवाइडेड बाय 7 किया है तो इक्वल टू 5 आ गया है. पार्ट सी, पार्ट सी में उन्होंने क्या किया है, 9 × 3, 9 × 3 = 27. तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 3 × 9, क्योंकि आपने यहाँ से देखा आपने यहाँ पे इक्वल लिखना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 9 × 3 = 27, क्योंकि आपको 9 का टेबल आता है. नेक्स्ट आप लिखेंगे 3 × 9, 3 का टेबल तो ऑब्वियसली आपको आता है, 3 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तब भी आएगा आंसर 27. नेक्स्ट आप जब यहाँ पे आएंगे तो आप लिखेंगे 27 / 3 = 9. जब 27 / 3 होगा तो 27 एज अ डिवाइडेंड होगा और 3 एज अ डिवाइजर, तो 3 × 9 = 27. देन आप करेंगे 27 / 9, तो फिर जब 27 एज अ डिवाइडेंड और 9 डिवाइजर, तो 9 × 3 = 27. सेम एज आपने इन दोनों को फॉलो करते हुए आपने यहाँ पे इनको नीचे इस नंबर को, यहाँ पे 7 और 5 थे, यहाँ पे 9 और 3 हैं, ठीक है, यही इसमें डिफरेंस है. नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें 42 / 6, इट मीन्स यहाँ पे 6 और 7 यूज हो रहे हैं, क्योंकि 42 आ रहा है, तो आप करेंगे 6 × 7 = 42, ठीक है. 6 ये आपने खुद सॉल्व करने होंगे, आप इसको गौर से सुने, अगर आप ये लेक्चर गौर से सुनेंगे तो आप इसको फिल कर सकते हैं. 9 × 3 = 27 यहाँ पे आएगा, फिर 3 × 9 = 27, फिर यहाँ पे आएगा 27 / 3 = 9, फिर आएगा 27 / 9 = 3.
यहाँ पे पार्ट ई में आए तो यहाँ पे 6 और 7 की बात हो रही है, क्योंकि 42 हमारे पास प्रोडक्ट है, तो 42 6 और 7 का है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 42, फिर लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 6। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 का टेबल लेके जाएंगे और 6 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 42। देन आप 7 का टेबल लेके जाएंगे और 7 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 42। अब आप करेंगे 42 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 7 एंड 42 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 6। नेक्स्ट पार्ट बी डी और ई आपने खुद सॉल्व करना है। 9 मल्टीप्लाई 6 ये एज इट इज, यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे नंबर्स बता देती हूँ। यहाँ पे तो आपको 9 और 3 दो नंबर्स गिवन है, आपने इन दोनों कैटेगरीज को फॉलो करते हुए इसको फिल करना है। यहाँ पे नंबर थे 6 और 7, ठीक है, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 7 और 6 को, यहाँ पे भी आपने इसी को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट अब 72 की बात हो रही है, यहाँ पे 8 और 9 टू नंबर्स यूज होंगे, ठीक है, 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का आंसर क्या आएगा, 72। और यहाँ पे 72 डिवाइडेड बाय 9 है, यहाँ पे 72 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 9 मल्टीप्लाई 6 नंबर्स आपको गिवन है, आपने उसी को फॉलो करते हुए इस रूल को इस यहाँ पे जैसे फॉलो किया गया है, सॉल्व किया गया है, इसको फॉलो करते हुए आपने यहाँ पे भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट एफ, इसमें आपके पास नंबर्स डिफरेंट फॉर्म में आ गए हैं, 80 प्लस 10 इक्वल टू 8। तो आपने यहाँ पे इसको 80 प्लस 10 इक्वल टू 8 सॉरी 80 प्लस 10 नहीं 80 डिवाइडेड बाय 10 है, ठीक है, 80 डिवाइडेड बाय 10 है, 80 एज अ डिवाइजर एज अ डिवाइडेंड यूज हो रहा है और 10 डिवीन फॉर्म के बाहर आ रहा है, 10 8 जार 80। फिर आपने इसी तरह आपने करना होगा 80 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, इक्वल टू 10 आ जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ पे पिन को सॉल्व करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी। कैसे, यहाँ पे आप करेंगे 8 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 80, यहाँ पे आप करेंगे 10 मल्टीप्लाई इक्वल टू 80, ये आपने फिल करना होगा। नेक्स्ट रिमेंबर दीज वर्ड्स। अब आपने वो कहते हैं कि जब हम डिवाइड करेंगे तो हर वर्ड का एक प्रॉपर नेम होगा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है, तो आपने उनको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल जो नंबर डिवीजन फॉर्म के अंदर आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था 35, वो होगा डिवाइडेंट, जो नंबर डिवाइड हो रहा होगा, ओके, और ये नंबर जो डिवाइड कर रहा होगा, मैंने आपको बताया था ये क्या होगा, डिवाइजर, यानी कि यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहा है डिवाइजर, और 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 आंसर है, इसका नाम क्या होगा, क्वेश्चन, आपने इनके नाम याद रखने हैं। 21 डिवाइडेंट जो डिवाइड हो रहा है, 3 इज डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है, एंड 7 इज द आंसर दैट इज क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट नंबर 2, फॉर ईच सम सर्कल द नंबर विच मैचेस द वर्ड। आप उन्होंने एक नंबर को सर्कल किया होगा, ठीक है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने नीचे नेम गिवन है आपने उसको सर्कल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल पार्ट ए में उन्होंने नेम दिया था क्वेश्चन, और क्वेश्चन को उन्होंने यहाँ पे जब सर्कल किया तो यहाँ पे क्वेश्चन मीन आंसर क्या है, 7, ठीक है, ये क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन को सर्कल कर लिया। पार्ट बी में अब डिवाइडेंड मीन्स जो नंबर डिवीजन फॉर्म के अंदर होता है और जो डिवाइड हो रहा होता है, और वो है हमारे पास यहाँ पे 56। सो हम किसको सर्कल करेंगे, 56 को। आपने अपनी बुक पे लेड पेंसिल से इसको सर्कल करना है। नेक्स्ट डिवाइजर वो नंबर होता है जो नंबर डिवीजन फॉर्म के बाहर आता है और जो डिवाइड कर रहा होता है, जिसका हम टेबल यूज करते हैं, तो वो है हमारे पास इसमें 10 इसमें एज अ डिवाइजर यूज हो रहा है, डिवीजन फॉर्म के बाहर आ रहा है और 70 को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन आंसर, जितनी टाइम्स वो नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो 7 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 हमारे पास आंसर है, यहाँ पे किसको सर्कल करेंगे, क्वेश्चन को। पार्ट ई एफ जी एच, ई पार्ट में देखें डिवाइजर जो नंबर डिवाइड कर रहा है, तो जो नंबर डिवीजन फॉर्म के बाहर होता है जो डिवाइड कर रहा है वो है 5 एज अ डिवाइजर यूज होगा, ये वो नंबर है जो डिवीजन फॉर्म के बाहर है जो 45 को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट एफ जी एच आपने खुद से करना है, ये पार्ट्स भी आपने अपनी बुक पे लेड पेंसिल से इन सर्कल करने होंगे। नंबर 3, नाउ राइट द वर्ड विच मैचेस द सर्कल नंबर। अब उन्होंने नंबर को सर्कल कर दिया है, हमने उनको नाम देना है, ठीक है, मैं आपके लिए वो आपको वो नेम बोल दूंगी, आपने अपनी बुक पे इनको खुद फिल करना होगा। पार्ट ए है हमारे पास जो उन्होंने सॉल्व करके दिया है, 15 क्या था हमारे पास, डिवाइडेंट, 5 क्या था, डिवाइजर,
15 डिवाइड हो रहा था, डिवीजन फॉर्म के अंदर है वो डिवाइडेंड है, 5 डिवाइड कर रहा है डिवीजन फॉर्म के बाहर है वो डिवाइजर होगा, और 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स 3 टर्म्स मल्टीप्लाई होके वो 15 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, मीन्स हमारे पास रिमाइंडर नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3। तो आंसर को क्या कहते हैं हम, क्वेश्चंट। यहाँ पे जो सर्कल नंबर था वो 3 था, जिसका नेम क्या है, क्वेश्चंट। पार्ट बी में हमारे पास जो नंबर सर्कल्ड है वो है 8, और 8 डिवीजन फॉर्म के बाहर है और ये डिवाइड कर रहा है 56 को, तो इसका नेम क्या होगा, डिवाइजर। इसका नेम क्या होगा, डिवाइजर। आपने इस बॉक्स में फिल करना होगा और इस बॉक्स में लिखना होगा डिवाइजर। नेक्स्ट पार्ट सी, इसमें आपके पास जो नंबर सर्कल्ड है वो है 90। अब 90 वो नंबर है जो डिवीजन फॉर्म के अंदर है और जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 90 को डिवाइड कर रहा है, डिवीजन फॉर्म के अंदर है, तो 90 वो नंबर है, इसका नेम है डिवाइडेंट, जो डिवाइड हो रहा है और डिवीजन फॉर्म के अंदर है। पार्ट डी, इसमें आपने इसको खुद नेम देना है, ठीक है। पार्ट बी में आपके पास इसका नेम है डिवाइजर। पार्ट सी में इसका नेम है, जो नंबर सर्कल्ड है उसका नेम है डिवाइडेंट, और डी का आपने खुद लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास पेज 83 पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, डिवीजन के हवाले से। इससे पहले आप एक्सरसाइज करने के बाद वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, इस दफ़ा हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 तक आपने पेज 83 पे जो एक्टिविटीज़ आपको कुछ मैंने सॉल्व करवाई हैं, कुछ आपने खुद सॉल्व करनी है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 4 जो है एक्टिविटीज़, वो हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम पार्ट ए आपके पास आपकी बुक में सॉल्व है। अब आपकी स्टेटमेंट के नीचे जस्ट एक लाइन आपकी बुक पे गिवन है, इट मींस कि आपने वहाँ पे जस्ट उस आंसर को लिखना है, ठीक है। लेकिन जस्ट आंसर लिखने से आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ नहीं आएंगे, सो इसलिए मैं ये आपको सॉल्व करवा रही हूँ। आपने पार्ट ए तो वहाँ पे बुक पे सॉल्व है, आपने वो भी इन्हीं को फॉलो करते हुए वो भी प्रॉपर सॉल्व करना है। पार्ट बी सी डी और ई जो मैं सॉल्व करवाऊँगी, आपने ए टू ई तमाम पार्ट्स आपने अपनी नोटबुक पे प्रॉपर सॉल्व करने होंगे। स्टेटमेंट को एज अ क्वेश्चन फुल टू फुल लिखना होगा और इनको प्रॉपर सॉल्व करना होगा, बिकॉज सॉल्व किए बगैर आप जस्ट आंसर लिखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। पार्ट बी टू ई मैं सॉल्व करवाऊंगी, ए का आंसर आपके पास मौजूद है, आपने उसको खुद सॉल्व करना होगा। बी है हमारे पास प्रॉब्लम बी, देयर आर 72 गोल्फ बॉल्स, 72 गोल्फ बॉल्स हैं। आदिल प्लेसेस 6 बॉल्स इन ईच बॉक्स, आदिल ने हर एक बॉक्स में 6 बॉल्स रखी हैं, हाउ मैनी बॉक्सेस डज ही फिल। अब देखें मल्टीप्लिकेशन में आपके पास ऐसा होता था कि आपको एक नंबर कोई गिवन होता था, देन आपको पूछा जाता था कि अगर एक दिन में इतनी चीज़ें बन रही हैं तो फॉर एग्जाम्पल 7 डेज में कितनी चीज़ें बनेंगी। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर आपके पास 7 डेज में इतनी चीज़ें बन रही हैं तो आप एक दिन में कितनी बनेगी, तो आप उन 7 को 1-1 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो आपके पास वो डे बाय डे आपके पास नंबर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखें टोटल हमारे पास गोल्फ बॉल्स कितनी हैं, 72, ठीक है। टोटल गोल्फ बॉल्स 72 हैं, तो आदिल हर एक बॉक्स में 6 बॉल्स रख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने नंबर ऑफ बॉक्सेस नहीं फाइंड करने, उसने नंबर ऑफ बॉल्स के हर एक बॉक्स में 6 बॉल्स हैं, तो वो कितने बॉक्सेस फिल करेगा, ठीक है। बॉक्सेस नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करने हैं, बट हमें ये देखना होगा कि हर एक बॉक्स में 6 बॉल्स हैं तो कितने बॉक्सेस हो सकेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल गोल्फ बॉल्स कितनी थी, 72। आदिल प्लेसेस बॉल्स इन ईच बॉक्स 6। अब देखें टोटल हमारे पास 72 हैं, ठीक है, और हमारे पास बॉक्सेस हैं, हमने हर बॉक्स में कुछ बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स में हमने 6 जो बॉल्स हैं हमने रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हुए हम कितने बॉक्सेस फिल कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 72 बॉल्स हैं, आपको कुछ बास्केट्स दी जाती हैं और आपको कहा जाता है आपके पास 10 बॉल्स हैं, ठीक है,
हम इन शॉर्ट आपको छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आपके पास 10 बॉल्स हैं, आपको बॉक्सेस दिए जाते हैं कि हर बॉक्स में आप 2 बॉल्स आपने डालनी है, तो आपने आप कितने बॉक्सेस फिल कर सकेंगे? आप 10 बॉल्स लेंगे, एक बॉक्स में 2 डालेंगे, दूसरे बॉक्स में भी 2 बॉल्स, तीसरे बॉक्स में भी 2 बॉल्स, फोर बॉक्स में भी 2 बॉल्स, जब आप 5 बॉक्स फिल कर चुकेंगे तो आपके पास बॉल्स एंड हो जाएंगी, क्योंकि आपने 5 बॉक्स में उन तमाम बॉल्स को डिवाइड कर दिया है, हर एक बॉक्स में आपने 2-2 बॉल्स डाल दी हैं, तो आपके पास बॉल्स एंड हो गई हैं, तो वो 5 से डिवाइड हो गया। इसी तरह आपके पास टोटल बॉल्स हैं यहाँ पे 72 और हमें बॉक्सेस नहीं फाइंड, हमें बस इतना पता है कि हमें कुछ बॉक्स गिवन है, बॉक्सेस हमने हर बॉक्स में इन 72 बॉल्स में से लेके, ठीक है, 72 में से हमने पिक करनी होगी, टोटल हमारे पास 72 है, हमारे पास बॉक्सेस गिवन है, एक बॉक्स में भी 6 डालेंगे उन्हीं 72 में से, दूसरी में भी 70, आप देखें जब 72 में से एक बॉक्स में 6 डालेंगे तो 72 में से 6 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि एक बॉक्स में हम 6 डाल चुके हैं, जब हम दूसरे बॉक्स में 6 डालेंगे तो हमारे पास 12 माइनस हो जाएंगे, तीसरे में डालेंगे तो 18, क्योंकि हम डालते जाएंगे हमारे पास बॉक्सेस कम होते जाएंगे, सॉरी बॉल्स, ठीक है, 72 बॉल्स हैं, जब हम उनको बॉक्सेस में डालते जाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स कम होती जाएंगी। तो देखें आदिल प्लेसेस बॉल्स इन ईच बॉक्स, हर बॉक्स में वो 6-6 रख रहा है, तो वो टोटल बॉक्सेस कितने फिल कर सकेगा? 72 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 72 बॉल्स हैं और 72 6 से डिवाइड होगा, क्योंकि वो 6-6 करके डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 6/6, क्योंकि हर बॉक्स में हम 6-6 रख रहे हैं, तो देखें 72 एज अ डिवाइडेंट ट्रीट होगा, ठीक है, इट मीन्स ये डिवाइड होगा, डिवीजन फॉर्म के अंदर आएगा, और 6 एज अ डिवाइजर ट्रीट होगा, ये डिवीजन फॉर्म के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइजर ये डिवाइडेंट। अब देखें 6 7 7 इज ग्रेटर देन 6, हमें यहाँ पे ग्रेटर नंबर चाहिए होता है और यहाँ पे लेस, ताकि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकें, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 8 होता तो सॉरी 5 होता तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5, 5 लेस देन 6, तो अगर आप 6 को 1 टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 5 माइनस 6 6 ग्रेटर हो जाएगा, जो कि आपके पास गलत होगा, तो 7 है तो हम 6 को कर सकते हैं, 6 वन जर 6 7 माइनस 6, इसमें से इसको माइनस करेंगे इक्वल टू 1। अब 1 हमारे पास 6 से लेस है, अगर यहाँ पे हमारे पास 6 से ग्रेटर नंबर होता तो हम इसको अकेले ही डिवाइड करते, हम अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 होता तो हम दोबारा 6 वन जर 6 करते, बट अब हमारे पास 1 है, 1 6 से लेस है, हमें डिवाइडेंट डिवाइजर से ग्रेटर चाहिए, तो हम इस 2 को यहाँ पे नीचे ले आएंगे। अब ये 12, अब 12 6 से ग्रेटर है, 6 2 जर 12, 6 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए कम्प्लीटली हमारे पास 12, तो अब देखें आंसर क्या है हमारे पास क्वेश्चन 12, दिस वन इज क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है 12, ये डिवाइडेंड और ये डिवाइजर। अब क्वेश्चन हमारे पास आंसर क्या है 12, सो इट मीन्स 12 बॉक्सेस फिल्ड विद गोल्फ बॉल्स बाय आदिल, आदिल ने 12 बॉक्सेस फिल किए हैं गोल्फ बॉल्स के, देखें उसके पास 72, एक बार उसको फिर सुने, 72 बॉल्स थे, उसने एक बॉक्स में भी 6 रखी, उसके पास 72 बॉल्स थे सॉरी, ठीक है, और बॉक्सेस हमें नहीं पता थे कि हम कितने फिल कर सकेंगे, तो उसने फर्स्ट बॉक्स में 6 डाली, दूसरे में भी 6 डाली, तीसरे में जो जो वो उन बॉक्सेस में डालता गया उसके पास बॉल्स कम होती गई, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो बॉल्स डालता गया हर बॉक्स में 6-6 और उसके पास बॉल्स एंड हो गई। अब हमने ये चेक करना है कि हमने कितने बॉक्सेस फिल किए 6-6 करके, तो वो कितने हैं 12 बॉक्सेस आंसर। वंस अगेन कह रही हूँ, स्टेटमेंट को गौर से सुनना है, समझना है, देन आपको समझ आ सकेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम 3C, नादिया हैज 18 क्रेन्स, नादिया के पास 18 क्रेन्स हैं, शी वॉन्ट्स टू पुट 9 क्रेन्स इन ईच बॉक्स, वो 9 क्रेन्स हर बॉक्स में वो कितने क्रेन्स रखना चाहती है, 9, हाउ मैनी बॉक्सेस आर नीड, तो उसे कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे, सेम एज आपके पास ये पार्ट बी की तरह है, ठीक है, सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल क्रेन्स कितने थे 18, अब उसके पास टोटल 18 थे और उसके पास बॉक्सेस हमें नहीं पता कि कितने हैं, उसने बॉक्सेस फिल, एक बॉक्स में अगर वो 9 रखेगी तो 9 तो माइनस हो जाएंगे, दूसरे बॉक्स में भी 9 रखेगी फिर 9 माइनस हो जाएंगे, तो जब एक में आप 9 डाल देंगे दूसरे में भी 9 डाल देंगे तो आपके पास आप गौर करें 18 बॉक्स 18 क्रेंस खत्म हो जाएंगे, टोटल 18 थे, एक में आपने 9 डाल दिए, अब आपके पास 9 है, जब आप दूसरे में 9 डालेंगे तो अब आपके पास कोई बॉल नहीं क्रेंस नहीं है, क्योंकि आपने 18 के 18 डाल दिए, तो वो 2 बॉक्सेस फिल हुए। इसको कैसे देखें, सॉल्व किया है, टोटल क्रेंस इक्वल टू 18,
क्रेंस इन ईच बॉक्स, हर बॉक्स में हमने कितने क्रेंस डाले, 9, तो नीड बॉक्सेस हमें वो नहीं पता, हमने फाइंड करने कैसे करेंगे, टोटल क्रेंस जितने हमारे पास टोटल थे और ईच बॉक्स में जितने हमने डाले उसको डिवाइड, 18 डिवाइडेड बाय 9, 18 एज अ डिवाइडेंड, 9 एज अ डिवाइजर ट्रीट होगा, डिवाइडेंड डिवीजन फॉर्म के अंदर आ जाएगा 18 और डिवाइजर डिवीजन फॉर्म के बाहर, 9 2 18, 9 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हमें कंप्लीट 18 को डिवाइड कर देता है, इट मीन्स हमने 2 बॉक्सेस फिल किए हैं, टोटल बॉक्सेस नीड फॉर 18 क्रेंस, हमें 18 क्रेंस के लिए कितने बॉक्सेस नीड थे, इफ ईच बॉक्स हैज 9 क्रेंस, अगर हर बॉक्स में 9, देखें अगर वो कहते हैं कि 18 क्रेंस आपको ये बताया जा रहा है, 18 क्रेंस के लिए हमें बॉक्सेस चाहिए थे, कितने चाहिए थे अगर हर बॉक्स में 9 हो तो वो कितने हैं, 2, 2 बॉक्सेस चाहिए, क्योंकि देखें आसान सी बात है, आप इसको गौर से सुने, अगर आपके पास 18 क्रेंस है तो आप एक बॉक्स में 9 डालेंगे, क्योंकि ये तो आपको बताया गया है कि आपने हर बॉक्स में 9 डाले, एक में 9 डालेंगे, अब आपके पास वो 9 सब्ट्रैक्ट हो गए क्योंकि आपने वो डाल दिए बॉक्स में, अब आपके पास 9 है, दूसरे में भी आपने 9 डालने, वो 9 के 9 भी आपने डाल दिए, अब आपके पास कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो गए आपके पास क्रेंस, और बॉक्सेस जो फिल हुए वो कितने, 2, सो आंसर इज 2 बॉक्सेस। नेक्स्ट पार्ट डी, शाहिद हैज 42 फीडर्स, शाहिद के पास 42 फीडर्स हैं, इफ देयर आर 6 हैट्स, अगर उसके पास 6 टोपियां हैं, 6 हैट्स हैं, हाउ मैनी फीडर्स कैन गो ऑन ईच हैट, तो फिर हर हैट में कितने फीडर्स आ सकते हैं, फीडर्स भी पर पिग्स, जो आपके पास पर होते हैं जैसे किसी परिंदे के पर हैं, तो वो कहते हैं उसके पास 42 फीडर्स हैं, ठीक है, और उसके पास 6 हैट्स हैं, अगर वो एक हैट में 6, तो हाउ मैनी फीडर, तो उसने हमने ये देखना है कि हर हैट में कितने फीडर्स जा सकते हैं कि 42 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, 42 कम्प्लीटली चले जाए, ठीक है, तो टोटल फीडर्स इक्वल टू 42 और टोटल हैट्स इक्वल टू 6, ठीक है, टोटल पर जो हमारे पास हैं वो 42 हैं और टोटल हैट्स जो हैं वो हैं हमारे पास 6, ठीक है, तो हमने ये देखना है कि हम किस नंबरिंग में हम हर हैट में उन पर उन फीडर्स को पुट करें कि हमारे पास 42 फीडर्स कम्प्लीटली उनमें आ जाए, ठीक है, 6 हैट्स में, अब 6 हैट्स के अंदर ही हमने उन सब फीडर्स को फिल करना है, इट मीन्स हमारे पास अगर 6 हैट्स एंड हो गई और हमारे पास फीडर्स बच गए तो हमारे पास मजीद हैट्स नहीं है, हमने उन 6 हैट्स के अंदर ही 42 फीडर्स को कंप्लीट करना है, तो देखें अगर हम हर हैट में 7 फीडर्स को रखें तो हमारे पास 6 हैट में कम्प्लीटली 42 फीडर्स आ जाते हैं, आप देखें हाउ मैनी फीडर्स कैन गो ऑन ईच हैट, हर हैट में कितने फीडर्स जा सके वो हमें नहीं मालूम, आपने फाइंड करना है, फाइंड कैसे करेंगे, टोटल फीडर डिवाइडेड बाय टोटल हैट्स, जितने हमारे पास टोटल फीडर्स हैं और जितनी हैट्स हैं हम उनको डिवाइड करेंगे, 42 एज अ डिवाइडेंड ट्रीट होगा, डिवीजन फॉर्म के अंदर आएगा, और 6 एज अ डिवाइजर ट्रीट होगा और डिवीजन फॉर्म के बाहर आएगा, ठीक है, तो 6 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें, 6 वन आर 6, 6 टू आर 12, 6 थ्री आर 18, 6 फोर आर 24, 6 फाइव आर 30, 6 सिक्स आर 36 एंड 6 सेवन आर 42, 6 7 से कम्प्लीटली मल्टीप्लाई होके हमें 42 आंसर देता है, मीन 6 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होके 42 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, सो 7 फीडर्स कैन गो ईच हैट, तो फिर हर हैट में टोटल कितने फीडर्स जा सकते हैं, हर हैट में 7 फीडर्स जा सकते हैं, तब हमारे पास 6 हैट्स में 42 फीडर्स कम्प्लीटली आ सकते हैं, सो 7 इज आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम ई, प्रॉब्लम ई इज देयर आर 36 एप्पल्स एंड 9 चिल्ड्रन, टोटल हमारे पास कितने एप्पल्स हैं, 36, और हमारे पास 9 चिल्ड्रन हैं, यानी कि 9 बच्चे हैं और 36 एप्पल्स हैं, हाउ मैनी एप्पल्स विल ईच चाइल्ड गेट, तो फिर एक बच्चा कितने एप्पल हासिल कर सकता है, ठीक है, 9 चिल्ड्रन से और 36 एप्पल्स हैं, हमने इस तरीके से हमने उनमें डिवाइड करने हैं कि हर बच्चे के पास इक्वली नंबर ऑफ एप्पल्स जाएं, तो टोटल एप्पल कितने हैं, 36, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 9, ईच चाइल्ड कैन गेट एप्पल्स, हर बच्चा कितने एप्पल्स गेट कर सकता है, हासिल कर सकता है, वो हमने फाइंड करना है, टोटल एप्पल्स कितने हैं डिवाइडेड बाई टोटल चिल्ड्रन,
उनको हम टोटल एप्पल्स को टोटल चिल्ड्रन पे डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास नंबर आएगा इट मींस वो कम्प्लीटली होगा। 36 डिवाइडेड बाय 9, 36 एज अ डिवाइडेंड ट्रीट होगा ड्यूअल फॉर्म के अंदर और 9 एज अ डिवाइजर ड्यूअल फॉर्म के बाहर। 9 फोर्स आर 36, 9 वन्स आर 9, 9 टूस आर 18, 9 थ्रीस आर 27, 9 फोर्स आर 36। इट मींस 9 फोर से मल्टीप्लाई होकर 36 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। इट मींस 36 एप्पल्स थे, 9 चिल्ड्रंस थे। हर बच्चे को, 9 चिल्ड्रन में से आप हर बच्चे को, ईच चाइल्ड, हर बच्चे को आप 4-4 एप्पल्स दें तो 9 चिल्ड्रंस के पास, सबके पास इक्वली एप्पल्स आएंगे और हर किसी के पास कितने एप्पल्स हैं, 4। 4 एप्पल्स कैन गेट ईच चाइल्ड। हर बच्चा कितने एप्पल्स हासिल कर सकता है, 4। सो 4 आंसर। प्रॉब्लम क्वेश्चन 4 के प्रॉब्लम्स ओडवीन का कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हमने सॉल्व किए। प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास प्रॉब्लम थे ए टू ई एंड प्रॉब्लम ए टू ई आर कंप्लीटेड। ओके, अल्लाह हाफिज़।